हाँ सर भैया फिर तू मारता ढंग से उसके पैसे काटो यार, ये ओवर एक्टिंग का। तेरा बड़ा नाम सुने सिक्स पैक मोहम्मद भैया। इसको खाने का तरीका ये है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम हो गया एक और व्लॉग में। आज का व्लॉग है स्विमिंग पूल व्लॉग। तो पहले चलते हैं आपको स्विमिंग पूल दिखाते हैं जो हमने बुक किया है। और अभी सबसे पहले मैं हूं, इसका इफ्तिताह करेंगे और देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, यहां आपको बारबेक्यू सिस्टम है और वहां कुछ चेयर्स हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। और वो स्विमिंग पूल है, अभी जाके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ दिखाते हैं, यहाँ एक वॉशरूम है और बेसन भी है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। और ये देखें माशाल्लाह, ये लुक देखो किस तरह से, ये है अरबिक मजलिस जिसे कहते हैं, अरबिक बैठने की जगह बिल्कुल उन्होंने सेटिंग की है यहाँ। और प्रॉपर्टी डीलर के साथ आप चलें। और यहाँ है स्विमिंग पूल, ये बड़ों के लिए है और ये है बच्चों के लिए, जहाँ मेरे ख्याल से आज वो दहूम सोनू और माहिर भैया के लिए ये हमने स्विमिंग पूल बुक किया है। और भी काफ़ी बच्चे हैं, वो भी यहाँ होंगे। और ये देखें माशाल्लाह खूबसूरती से, और यहाँ जाके देखिए, ओए हो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मजलिस है। ये सिटिंग एरिया है, आप यहाँ से जब रेस्ट करें तो टीवी और माशाल्लाह एयर कंडीशन चालू है। और ये ओपन किचन है, और जिस तरह मैं कह रहा हूँ आपको ये प्रॉपर्टी लेनी है तो जल्दी कीजिए, कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट इसकी प्राइस में भी बता दूंगा। और साथ में है ये फ्रिज जो बिल्कुल है खाली, ऐसे नहीं होता यार, मेहमानों को बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो रखो, खाली क्यों है। और उसके साथ अब जाके देखते हैं कि ये दो रूम किस लिए हैं यहाँ। और यहाँ पे है दो रूम, ये देखिए जी, ये तो सोने के लिए एक रूम है और साथ में है वॉशरूम, ये देखिए वॉशरूम है। और यहाँ पे हूँ मैं, और यहाँ अगर आप अपना सामान लेके भी आए वो भी रख सकते हैं। और साथ में है बच्चों का रूम, बच्चों का रूम भी है। और अब इंतजार करते हैं और थोड़ी देर में हम अपना सरप्राइज आप लोगों को भी बताएंगे कि हम आखिर क्या करना चाहते हैं आज के इस व्लॉग में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। और थोड़ी देर में आमिर भैया आने वाले हैं, फिर उनके साथ मिलके हम प्रैंक सेटअप करते हैं अपना। दरवाजा खड़क रहा है, कोई ना कोई आया हुआ है यहाँ, तो चलते हैं ये देखते हैं कौन है। मुझे लग रहा है आबिद भैया होंगे, तो चले देखते हैं। आबिद भैया अस्सलाम वालेकुम। ये क्या, ये क्या हुआ आबिद भैया, ये लोग तो बिल्कुल बेचैन ही थे यार, ये रात से मुझे तंग किया हुआ था इन्होंने। वालेकुम अस्सलाम आबिद भैया, इन्होंने तो सलाम ही नहीं करे उस्ताद, इन्होंने कहा है हमें नींद ही नहीं आ रही, हमें सुना है कि सुबह पूल है, मैंने कहा आ जाओ फिर। आबिद भैया आज स्विमिंग पूल है और आज करेंगे हम लोग इंजॉय, और मैं आज आपके साथ कुछ प्रैंक हमने किया हुआ है। अच्छा, एक पर्चिया बनाएंगे जिसमें पहले जाके अंदर बैठते हैं और बात करते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं पहले। ये देखिए, ये तो माशाल्लाह तुम लोगों ने स्विमिंग पूल आज पहली बार देखा है, इतनी गर्मी हो और स्विमिंग पूल को एंजॉय करने का अलग ही मजा होता है। आबिद भैया आज हमने प्लान, ये है यार प्लान जो है ना आबिद भैया, मैंने बनाई हुई पर्चियां, ठीक है, उन जो भी आएगा दरवाजे से आएगा ना जो, हम उसे देंगे पर्ची। अब उस पर्ची के अंदर होगा पहले तो ये बलून, अगर ये बलून वाली पर्ची निकलती है आप और मैं निकालेंगे तो सबसे पहले हम उसके ऊपर करेंगे बलून अटैक। इसके साथ जब आपको बनाएंगे तो दिखाते हैं किस तरह से होगा। और दूसरा है हमारे पास ये स्प्रे फोम वाली, ठीक है, अगर किसी की स्प्रे वाली फोम निकलते हैं ना आबिद भैया सलाम दुआ बाद आज नहीं छटेंगे, नहीं छटेगा उस्ताद, आज फुल एंजॉय होएगा। और तीसरी पर्ची होगी आबिद भैया जिसे स्विमिंग पूल में उठा के फेंकना, ओए ओए इसमें तो मजा है, वो पुराना सीन है। ओके कर, इसकी भी जो निकलेगी आबिद भैया ये उसका नसीब है, नसीब है। और लेकिन हमने आपको इस व्लॉग में पूरा एंजॉय करा देना है यार, आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। ओके हो गया सर, पैसे तो लग भी नहीं रहे। चलो फिर हम तैयारी करते हैं, सबसे पहले इन बलूनों को फुलाते हैं, कहाँ फुलाए आबिद भैया। इस बलूनों की खासियत ये है कि जैसे आप पानी भरेंगे ना इसके अंदर, ये खुद भर के ना नीचे गिरती आएंगी और खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। ये देखिए भरे जा रहे बलून, ओए ओए ओए,
आज इन लोगों की खैर नहीं है जिसका बलून निकला भाई। किसका नसीब किसके साथ। और आमिर भैया जो एंजॉयमेंट होगी ना, मैं सोच के अभी से हैरान हूँ यार। आज माशाल्लाह कितने दिनों बाद हमने स्विमिंग पूल लिया है ये ईद की खुशी में, तो इस बार हम एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि कौन आएगा दरवाजे पे। साथ हमारे द जीनियस माहिर भैया आ गए हैं और ये फटाक फटाक से निकाल रहे हैं और ये बन गए हैं बलूने। और ये बलूने माहिर तू तो बच गया, तू सीधा अंदर चला गया, लेकिन तेरे साथ भी कुछ ना कुछ हम लोग आज सोच के करेंगे भाई। ये तूने बताया ना, तेरा बड़ी मेहरबानी हो गई। ये देखिए ये जो हमने पर्चियां बनाई थी आबिद भैया, ये है सबसे पहली पर्ची, ये है वाटर बलून फेंकना है। जिसकी ये पर्ची निकलेगी उसे हम वाटर बलून में फेंकेंगे और उसके बाद है हमारे पास वाटर बलून का अटैक करेंगे, भाई। नहीं छटेंगे आज, नहीं छटना। और ये स्विमिंग पूल में फेंकना है, ये स्विमिंग पूल में फेंकेंगे उसे उठा के। हाँ उस्ताद जी ये स्वागत होगा। और ये तीसरा फोम लगाना है, फोम के साथ स्प्रे करेंगे, स्प्रे करेंगे। ठीक हो गया। और चलें पहले शिकार का इंतजार करते हैं कि कौन ये आके अपना खुश नसीब दरवाजा नॉक करेगा। पहले पर्चे आबिद भैया लकी ड्रॉ में से आप निकालें। उस्ताद मजा आने वाला है। ये देखिए सबसे पहले पर्ची कौन नहीं, सी? नहीं हिलाना चाहिए, हिला दो भाई। ऐसे किसी की किस्मत के साथ क्या खेलना। ये कहाँ है ये देखिए, किसकी किस्मत फूटी। और जो पहले आएगा उसके ऊपर यही अटैक होगा। और ये है आबिद भैया स्विमिंग पूल में फेंकना, स्विमिंग पूल में फेंकना। जो आएगा सबसे पहले उसे स्विमिंग पूल में फेंका जाएगा। यार आबिद भाई ये तो हमारा वो पुराना जो पहले पिछली बार किया था ना, वो ही पहले निकल आया। और इस बार स्विमिंग पूल भी देखो यार, ये है हमारा स्विमिंग पूल। इसमें अब जो पहली एंट्री होगी वो इसके अंदर जाएगी, जाएगा इसके अंदर। यार आबिद भाई इतनी देर हो गई है, बोर हो गए यार, कोई आया भी नहीं है यार। कोई आने वाला है या नहीं पता नहीं यार, मैं तो ढूंढ रहा हूँ इन लोगों को कब से यार, बोर बैठे हुए हैं। आ गया यार, आ भैया ओ मेरी जान के टूटे। ये स्विमिंग पूल हमने तो उस्ताद जी इससे मिलने नहीं रहे मोहम्मद भाई, सोए नहीं आंखें नजर आ रही है। मेरी जानी तुझे नींद क्यों नहीं आई, रात भर सोए नहीं। आ तुझे आज सुलाते हैं, उसको जगाते हैं। इसके पैसे काटो यार, ये ओवर एक्टिंग करते। हेलो यार मेरी भाई अब इसके बाद बहुत उतावला, कोई आ गया है, कोई आ गया है उस्ताद, बड़ी जल्दी है इसको। और क्या आया है, क्या आया है, वाटर बलून अटैक है ना। क्या आई हैव आइडिया, क्या आइडिया है, चलिए ऊपर चलते हैं। आप ऊपर से, आप ऊपर से अटैक करेंगे। ओ यार ये उसको यार कौन है ये यार, बड़ा उतावला है इसकी करनी है वंदे मातरम के जय माथे ढंभेरे उस्ताद जी। ये देखो साजिद भाई, और अब हमारे हमजा भैया निकालेंगे। हमजा भैया आपका स्वागत तो अच्छा हुआ यार, ये भाग गया था कसम से, भाग गया यार ये हाथ नहीं है। ये भी मेरा फेवरेट लगाना, तेरा भी फेवरेट है, ये सारे तो तेरे फेवरेट है। मुझे लगता है आज तू कुछ करता है, कोई आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, मैं भी जाता हूँ। ये लो कोई पकड़े, ये फॉर्म और भी लगानी है। अब हम एक आदमी को बिल्कुल सरप्राइज कर देंगे,
अब जो अगली बारी आएगी ना, अगली बारी पर्ची नहीं निकालनी, मुझे ना वो फेंकने में मजा आ रहा था। गाइस ये एक जो है ना, मुझे लगता है यासर भैया ने फोन किया, वो आने वाले हैं, उसको ना नहीं छटेंगे, नहीं छटेंगे कि उन्हें हमारी एक ब्रोस वाली वीडियो भी उसने पूरी नहीं बनाई थी, उसका भी बदला लेना है, उसका बदला पूरा वाला लेना है, बदला लेना है उससे। नहीं छटेंगे। आजा भाई यासर भैया, तेरा इंतजार है। आजा भैया, आ गया है, यही वही है और कुछ नहीं है। बुलान छुपा दे, बुलान नजर आए, यासर है, यासर है, यासर आने दे, आने दे, फोन किया था उसने मुझे। वालेकुम अस्सलाम, करते हैं तेरा स्वागत करते हैं, आजा एले स्वागत करते हैं तेरा, मार इसको, स्वागत करते हैं तेरा जाने। ये देखो ये देखो, एक हिट ने मारा, मिल मिल के मारा, मारो इसी मारो, नहीं लगा। हम सब इंजॉय कर रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आ चुके हैं वो सीधा स्विमिंग पूल में इंजॉयमेंट कर रही है। और चोनू भैया ज्यादा छलांगे मत लगा, कहीं तेरी टांग शांग ना खुट जाए। और ये माजिद भैया हमारे उर्फ गोदा, ये है इंतजामिया गोदा साहेब, और ये बाकी सब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, और अभी मैं भी जाके इंजॉय करता हूँ क्योंकि वलीद भैया को देर है, और उसके बाद आएंगे हसनैन भैया, और भी होंगे बच्चे थोड़े से, उनके साथ भी करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी मैं भी जाता हूँ स्विमिंग पूल में, जाके कूद जाता हूँ सीधा, काफी गर्मी हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से जाके ना सीधा कूद जाऊं। हेतु मार्टन ढंबे रे, हाँ मामा तू कितना बाहर चला मैंने हर वेले। सिक्स पैक मोहम्मद भैया के, सिक्स पैक, वाह मोहम्मद भैया कसम से सिक्स पैक है, वही कहते हैं। और यहाँ लड़ाई हो चुकी है दो बंदों के बीच में, और ये देखो मोहम्मद भैया आपकी शक्ल कौन सी हो गई है, मोहम्मद भैया इधर दिखाना, इधर दिखाना, आप कौन हो, तो लेंगे ये देखे, ये गिर गए, मैं उस वाले पे जाऊंगा जो बड़ा वाला है, ये लास्ट अटैक है, हमारे बच्चे बंदे पूरे होने वाले हैं, इस बार पूरी तैयारी करके आनी है, और मेरी सेफ्टी देखिए, चाहे आप स्विमिंग से बाहर भी हो तब भी सेफ्टी लाजमी है। यासरा क्या नहीं मामा, खोला यासरा है, ये क्या हुआ प्रधानमंत्री, वालेकुम अस्सलाम गाइस, कैसे एंजॉय किया, फटसी ये आप बताइए, फटेगी नहीं फटेगी, कैसे हो आप लोग सब ठीक, और यहाँ जंगलियों की जैसे लड़ाई शुरू हो चुकी है एक दूसरे के बीच, और ये देखिए काफी एंजॉयमेंट चल रही है इस वक्त, और हम लोगों ने जो है ना स्विमिंग पूल का पानी आधे से ज्यादा यहाँ कर दिया है, जब हम लोग होंगे तो एंजॉयमेंट तो होगी, और फिर रात को खाना दिखाते हैं। कंपटीशन हो चुका है, ये पांच बंदे आएंगे कंपटीशन में, जो सबसे पहले पहुंचेगा वो विनर होगा, ये मिशन है, इसे जो टच करेगा वो जीत जाएगा, उसे हम घोषित कर देंगे विजेता। चलो 1 2 3 मोहम्मद भाई सबसे पहले लेकिन विजेता हो रहा है, आप विजेता हो,
देर में खाना खाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म और ये देखिए माशाल्लाह, टूट पड़ो हमसे पहले टूट पड़े। ओ भाई तू जल्दी से खा ले, चक्कर आ रहे हैं। तेरे को तो चक्कर आ रहे होंगे। ओए होए होए होए, इसको खाने का तरीका ये किर्ची और ये देखिए माशाल्लाह, अलबेक ना अलबेक के अलावा कुछ नहीं। ये पहले हम इसे खाएंगे इसे। चस आ गई है मुझसे, हम अपना खाना कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। अपडेट इस वक्त ये है कि 1:30 बज चुकी है और कोई भी नहीं है स्विमिंग पूल में। ये देखिए अब सब थक चुके हैं। माजिद भाई वहाँ है, आबिद भाई यहाँ है और ये सब आ चुके हैं और ये हमारे द मोस्ट आदि भाई ये यहाँ बैठे हैं। लेकिन जिस बंदे ने यहाँ पैसे पूरे करने हैं वो हमारे वलीद भैया हैं, द लेजेंड वलीद भैया। ये अभी तक स्विमिंग पूल में और ये मुझे लगता है स्विमिंग पूल भी इनका है और ये स्विमिंग पूल के मालिक भी हो चुके हैं इस वक्त। कैसे लग रहा है आपको पानी में, कैसे लग रहा है? मैं पिछले जन्म में ना शार्क था। ओहो, जैसे मैं पानी में आता हूँ मेरे पर खुल जाते हैं। ओए 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 ओए, ये तो हमें यहाँ कोई शार्क मिल रहा है। लेकिन सबकी एनर्जी इस वक्त लेवल डाउन हो चुकी है, लेकिन ये वाहिद बंदा है जिसके एनर्जी अभी तक फुल है। और यहाँ हम करते हैं अपने व्लॉग का इख्तिताम। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और इस बंदे को कैमरा ऑन करना भी नहीं आता, ये भी देख लीजिए।